दोस्तों हमारे YouTube जो एस रेडीमेड ऑफिसर में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एलसीएम और एचसीएफ में हमने कहा था कि शेष वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, तो दोस्तों आज शेष वाले क्वेश्चन है बहुत ही ईजी तरीका से और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 6, 15 और 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। सिंपल कह रहा है दोस्तों क्या कि वह छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें यदि 6, 15 और 18 से, यानी क्या कर रहा है यहाँ देखिए, है ना, यहाँ क्या लगा हुआ है से, इसका मतलब इसका क्या लेना है हमें, एलसीएम लेना है। तो दोस्तों अब कारा कितना भाग देने पर 5 शेष बचे, तो सबसे पहले तो 6, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अगर 3 से लगाए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, आई क्या 3 छाके 18, फिर 2 से लगाएंगे 2 एक 2, 5 दूतिया 6, 5 दिया 15 दूनी 30, 30 दिया 90, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 90। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिसमें भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए, लेकिन यदि इसमें भाग देंगे तो क्या 5 शेष बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 90 है, इस 90 में आप क्या कीजिए 5 जोड़ दीजिए, यानी 95 ऐसी संख्या है जिसमें यदि 6, 15 और 18 से भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि 5 शेष बचाना तो 5 जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, वाक नहीं हुआ इजी वे में, तो समझिए क्वेश्चन को तब बनाइए। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5, 8, 13, 19 एवं 26 बचे। मतलब शेष क्या दिया हुआ आपको, अलग अलग दिया हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या तरीका है सॉल्व करने का, तो सिंपल है दोस्तों। अगर आप देखेंगे ना कि ये 7 से भागा दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, 10 से दे रहे हैं तो 8 बच रहा है, 15 से दे रहे हैं तो 13 बच रहा है, 21 से दे रहे हैं तो 19 बच रहा है और 28 से दे रहे हैं तो 26 बच रहा है। सबके बीच में अगर आप गैप देखेंगे ना तो सब 2 ही गैप आएगा, यानी सबके बीच में गैप क्या आएगा, 2-2 ही आने वाला है, आप देख लीजिए, है ना। सब में देखिए गैप कितनी आ रही है, 2-2 की आ रही है ना, सब में गैप आ गया कितना, 2-2 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब दूसरी बात आते हैं कि सब में देखिए गैप क्या आ गया हमारा, 2-2 आ गया, है ना। तो अब आगे की ओर बात करें तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, से इतना संख्या से भागा दिया जाए तो शेष इतना इतना बचता है। तो से का मतलब क्या हुआ, एलसीएम, मतलब आपको 7, 10, 15, 21 और 28 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है दोस्तों। तो चलिए पहले 5 से लगाते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 21 और 28। अब चलिए 7 से लगा देते हैं, 7 का 7, 2, 3, 7 दिया 21, 7 जो कि 28। अब कितना से लगाएंगे, 2 से 1, 3, 3, 2। अब कितना से लगाएंगे, 3 से 1, 1, 2, है ना। ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कीजिए कितना आएगा, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, 12 पंचे 60, 60 7 कितना हो गया 420, है ना। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करना है, है ना। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, सभी आप तो जानते ही होंगे, है ना, 4×9। अब क्या करेंगे, 420 से इसमें भागा देंगे, बताए थे इसे पिछले वीडियो में। अब दोस्तों अगर इसको भागा देंगे तो क्या करेंगे, 4 दुनिया 8, 2 से लग जाएगा 840, ये कितना आ गया 9, 5, ये कितना आ जाएगा 1, 9। अब कितना से भागा लगेगा, 3 से 20 दिया 60, 4 दिया 12, ये घट के कितना आ गया 9, 3, 3, यानी 339 इसका शेष बच गया। अब हमने, आप याद कीजिए क्या बताया था कि यदि बड़ी संख्या हो तो जो शेष आएगा उसको घटा देंगे, क्यों, इसे पिछले वीडियो में हमने बताया,
है ना, छोटी संख्या रहेगा तो शेष को इसके भाजक के बराबर, डिविजिबल के बराबर करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो 339 आया है इसको यहाँ से हटाना होगा, है ना। तो 340 घटाएंगे तो इस संख्या में भी हमें 340 क्या करना होगा, 339 घटाना होगा। तो कितना आ गया ये 0, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 6, यानी हो गया 9660, है ना। ये जो संख्या निकला है, अब ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा कि शेष इतना इतना बचना चाहिए, तो मेरे पास क्या आया घटा करके, सब में देखिए बराबर संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो बराबर संख्या आया है बस इसको लास्ट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया 8 × 2 = 10, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया, ये ऐसी संख्या जिसे इतना से भागा दीजिएगा तो यही आपको शेष बचे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, क्या कुछ किया, बस हमने देखा कि सबका जो ये है ये बराबर आ रहा है ना। और 4 अंक की बड़ी संख्या है, 4 × 9, तो हमने पहले भागा दे दिया, ऐसी कौन सी संख्या जो इससे विभाजित हो, है ना। तो हमने निकाल लिया वह संख्या कौन सी है, 9660। अब जो दो शेष बचा था ना, उस ये सबको घटाने के बाद हमने दो शेष घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया 9600। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6, 8, 12 लड़कों की बराबर टोली बनाने के लिए कक्षा में कम से कम कितने छात्रों का होना आवश्यक है, यानी क्या कह रहा है दोस्तों, 6, 8, 12 लड़कों की बराबर टोली बनाना है, बराबर टोली मतलब लाइन बनानी है, तो यदि तो कम से कम कितने छात्र होने आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कह रहा है कम से कम, मतलब न्यूनतम आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम बताइए कितने छात्र चाहिए जिससे हम 6, 8, 12 लड़कों की हम टोली बना सकें, कितने छात्र चाहिए वो बराबर टोली। तो जैसे ही कम से कम हो या न्यूनतम हो तो आप एक ही बार हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि हमें उसका एलसीएम निकालना, अधिकतम होगा या अधिक से अधिक होगा तो हम उसका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। उसमें से लगा था किसमें, क्वेश्चन वाले में, मतलब अंकों वाले में, 6 अंकों की बड़ी संख्या भागा देने वालों में। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम हमेशा याद रखेंगे कम से कम हो या न्यूनतम हो तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। मतलब 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2, 3, 4, 6, अब कितना से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 3, 2, 3, अब कितना से लगाएंगे, 3 से, है ना। कितना हो गया, 3 × 6 × 12 × 24, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 24 है। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बताए थे आपको कि इसको पहाड़ा पढ़िए, देख लीजिए कौन संख्या इसे कट रहा है, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 छात्र हमें होगा तो हम बराबर बराबर की टोली बना लें, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जैसे ही कम से कम आए या न्यूनतम आए तो आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, है ना दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, 4 घंटे क्रमशः 2, 5, 8 और 10 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, यदि वे पहली बार 9 AM में एक साथ बजे थे तो दूसरी बार वे एक साथ कब बजेंगे। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, धावक वाले भी आते हैं कि वे एक साथ चलना शुरू किए फलना बजे बजे, ये सबकी रफ्तार दी रहती तो अगली बार वो कब मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं धावक वाले भी और घंटी वाले भी आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं, आँख बंद करके एलसीएम ले लेना, है ना, क्योंकि वो उतने अंतराल पे जितना एलसीएम आएगा उतने अंतराल पे वो फिर से लगातार क्या होंगे, मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब देखिए आपको कितना दिया हुआ है, 2, 5, 8 और 10, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 × 12 = 10, 10 × 10 = 20, 20 कटेगा 8 से नहीं कटेगा, 10 × 33 8 से नहीं कटेगा, 10 × 4 = 40, यानी इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा, जो इस सारी संख्या से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि तीनों चारों घंटियां जो है वो हर 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहेगी, है ना। तो अगर इस बार 9 AM में बजी थी तो अगली बार ये कितना में बजेगी, 9:40 AM में,
है ना, यही आपसे पूछेगा कि पांच बार के बाद कितना बार बजेगा, तो पांच चौके 20 यानी 200 मिनट हुआ, यानी 3 घंटा 20 मिनट, तो जोड़ लीजिए 9 3 12 20 PM, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि 6 बार के बाद कितना बार बजेगा, 6 बार एक मतलब छठी बार एक साथ कब बजेगी, छठी बार, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ नहीं, बस आंख बंद कीजिए, एलसीएम निकालिए, जितना आएगा उसमें जोड़ते जाइए, कहानी खत्म है। अगर इस बार 9 बजे बजी तो 40 मिनट बाद फिर बजेगी, 9:40 में बजेगी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं दोस्तों, तो घबराना नहीं है, है ना, बस हमें उसे टैकल कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, एक फल वाला अपने अमरूदों को 25, 35 और 40 की ढेरियों में लगाता है, तो प्रत्येक स्थिति में 7 अमरूद बच जाते हैं, तो उसके पास कम से कम कितने अमरूद है। आ जाइए पकड़िए, अक्षर को पकड़िए, मिनिमम कितने उसके पास है। तो हमने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर कम से कम रहेगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे सभी का, 25, 35 और 40 का एलसीएम लेंगे। कितना से लगाएंगे, 5 से लगाइए, 25, 25, 35, 45। अब इसको क्या करेंगे, 25 इधर हो गया, 8 7 56, ये 56 गुने 25, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 1 4, है ना, 4 4 16, यानी कि कितना हो जाएगा, 1400। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1400, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उसके पास, है ना, यदि उसके पास क्या होता, 1400 अमरूद होता, कितने अमरूद होते, 1400 अमरूद होता, तो वह प्रत्येक में बराबर बराबर लगा देता, 25 35 और 40 की ढेरी बराबर बराबर लग जाती। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में ना उसे 7 अमरूद बच जाते, मतलब क्या बात, उसके पास 7 अमरूद क्या एक्स्ट्रा, जितना उसे लगाना था उसमें 7 अमरूद क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ उसके पास कहीं ना कहीं क्या होगा, 1400 प्लस में 7 को एक्स्ट्रा होगा, तो 1407 अमरूद होगा या नहीं होगा, तभी तो वह 7 को अमरूद बच जाता है उसे इतना ढेरी लगाने के बाद, है ना दोस्तों। तो देखिए कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन जितना शेष बचे ना लास्ट में जोड़ते जाइए, कहानी खत्म है आपकी, है ना। एलसीएम और एससीएम कुछ है नहीं, अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसे हमें टैकल करना आना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से आपके हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो में, तो एससीएफ लेके आएंगे दोस्तों, और नया तरीका बताएंगे एससीएफ का, कोई कितना भी भारी से भारी संख्या क्यों ना आ जाए आप आसानी से निकाल लेंगे। हम रीजन भी बताएंगे उसका कहाँ से आता है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।